रेडी स्टॉप स्टार्ट। बाजार कहता है कि आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, स्टॉप। बस पैसे लाएं और जो चाहे ले जाएं, स्टॉप। अब बाजार में हर उत्पाद उपलब्ध है, स्टॉप। चाहे तो होली पर जलाने के लिए गोबर की बिलुकड़ी, गोबर के कंडे, काऊ, डंक, केक के नाम से, और चूल्हे की राख एस के नाम से ऑनलाइन बिक रही है, स्टॉप। एक बार एक संस्था में हाथ से किए जाने वाले काम के महत्व को तवज्जो देने और उस ओर ध्यान दिलाने के लिए लिखा गया था। मैं सिले कपड़े पहनता हूं, मैं बना बनाया खाना खाता हूं, स्टॉप। मैं साफ घर में रहता हूं, स्टॉप। इस तरह कोई 20 कामों की सूची थी जिनका जवाब था, यह सब काम नहीं करते तो भाई करते क्या हो। इसका जवाब था कि मैं पैसे कमाता हूं, पैसे से वह सब मिल जाता है, स्टॉप। पैरा सही है कि पैसे से बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन जब हम किसी काम को हाथ से न करके सिर्फ खरीदते हैं, तब उस काम को करते समय का उत्साह उसके पूरे हो जाने की खुशी से वंचित रह जाते हैं, स्टॉप। बाजार की चीजें सिर्फ हमें उपभोक्ता बनाकर छोड़ देती है। चीजें आईं और उनके उपयोग के बाद वे खत्म, स्टॉप। इन सबका आज हमारे रिश्तों पर भी प्रभाव पड़ रहा है, स्टॉप। पैरा हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की रपट में कहा गया है कि यद्यपि भारत में गरीबी 2015-16 के मुकाबले 2019 से 2021 के दौरान 25% से घटकर 15% पर आ गई है, लेकिन आय की असमानता बढ़ी हुई है, स्टॉप। हालांकि भारत में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2000 में जहां करीब 37,000 रुपए थी, वहीं वर्ष 2022 में बढ़कर करीब 2 लाख रुपए हो गई है, लेकिन अब भी भारत दुनिया के उन प्रमुख 10 देशों में शामिल हैं जहां बीते 20 वर्षों में लोगों की आय में असमानता बढ़ी है, स्टॉप। स्थिति यह है कि भारत के 10% अमीर लोगों के पास देश की आधी संपत्ति है। जिस तरह भारत में सरकार 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को हर महीने मुफ्त खाद्यान्न दे रही है, उससे भी जाहिर होता है कि भारत में आय की असमानता काफी गहरी है, स्टॉप। पैरा ऐसे में निश्चित रूप से भारत में गरीबों के सशक्तिकरण के लिए निशुल्क खाद्यान्न दे रही है, उससे भी जाहिर होता है कि भारत में आय की असमानता काफी गहरी है, स्टॉप। ऐसे में निश्चित रूप से भारत में गरीबों के सशक्तिकरण के लिए निशुल्क खाद्यान्न की जरूरत बनी हुई है, स्टॉप। पिछले 5 वर्षों में 13 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं और देश के बाकी गरीब लोगों को गरीबी से बाहर निकलने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, स्टॉप। हाल ही में केंद्र ने 80 करोड़ से अधिक पात्र लोगों को निशुल्क खाद्यान्न वितरण की योजना आगामी 5 वर्षों तक के लिए बढ़ा दी, स्टॉप। गौरतलब है कि भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA
10 सितंबर 2013 को अधिसूचित हुआ। इसका उद्देश्य नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए वहनीय मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की 5 किलोग्राम मात्रा उपलब्ध कराना है। इसके तहत राशन कार्ड धारकों को चावल 3 रुपए, गेहूं 2 रुपए और मोटे अनाज 1 रुपए किलो की दर पर देने की शुरुआत की गई। स्टॉक कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY के तहत मुफ्त अनाज दिया गया। स्टॉक अब वर्ष 2028 तक एक बार फिर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाली देश की 2/3 आबादी को मुफ्त अनाज देने की पहल दुनिया भर से रेखांकित की जा रही है। स्टॉक पैरा, यह कोई छोटी बात नहीं है कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सहित दुनिया के विभिन्न सामाजिक सुरक्षा के वैश्विक संगठनों द्वारा भारत की खाद्य सुरक्षा की जोरदार सराहना की गई है। स्टॉक IMF द्वारा पिछले दिनों प्रकाशित अध्ययन में कोविड की पहली लहर 2020 से 2021 के प्रभावों को भी शामिल करते हुए कहा गया है कि सरकार के PMGKAY के तहत मुफ्त खाद्यान्न कार्यक्रम ने कोविड-19 की वजह से लगाई गई पूर्णबंदी के प्रभावों की गरीबों पर मार को कम करने में अहम भूमिका निभाई है और इससे अत्यधिक गरीबी में भी कमी आई है। IMF के अध्ययन में कहा गया है कि खाद्य सब्सिडी कार्यक्रम कोविड-19 से प्रभावित वित्त वर्ष 2020-21 को छोड़कर अन्य वर्षों में गरीबी घटाने में सफल रहा है। दुनिया के अर्थ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि कोविड-19 के बीच भारत में खाद्यान्न के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचे सुरक्षित खाद्यान्न भंडारों के कारण ही देश के 80 करोड़ लोगों को लगातार मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध होने के कारण वे गरीबी के दलदल में फंसने से बच गए। स्टॉक